नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह, आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। पत्रकारिता दिवस के आज इस दौर में किस तरह की पत्रकारिता होनी चाहिए, इस पूरे विषय को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं आरएसएस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के प्रचार प्रमुख श्री पदम जी। मैं जानना चाहूँगा पदम जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूँगा कि आज जो पत्रकारिता दिवस पे नारद सम्मान समारोह आपके द्वारा आयोजित किया गया है, तो क्या उद्देश्यों को लेकर के इनको किया गया? पिछले लगभग 15 वर्षों से विश्व संवाद केंद्र के माध्यम से नारद जयंती के अवसर पर ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया को नारद जी का जन्मदिन है। नारद जी चूँकि पत्रकारिता के जनक हैं, आद्य पत्रकार हैं, इसलिए आद्य पत्रकार के जन्मदिन पर कुछ ऐसे देश समाज के हित में काम करने वाले पत्रकारों को सम्मानित करना और नारद जी का स्मरण कराना, ये आज के कार्यक्रम का उद्देश्य था। क्या कहना चाहेंगे आप पत्रकारिता, आज की जो पत्रकारिता है बहुत तेज पत्रकारिता है, एक ज़माना वो भी था जब पत्रकारिता बमुश्किल हो पाती थी नारद जी के ज़माने से, और आज की पत्रकारिता बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, तो इस पत्रकारिता में किस तरह की कंट्रोवर्सी है, क्या स्मूथ और होना चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए, इसको लेकर के क्या विषय रखेंगे? विषय तो केवल नारद जी का स्मरण पत्रकारों को कराने के पीछे का हेतु ही इतना है कि नारद जी देव दानव मानव तीनों के बीच में समान रूप से निर्भीक रूप से पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। नारद जी को हम पढ़ना भूल गए, नारद जी का स्मरण भूल गए, तो इसलिए हम किसी ना किसी पक्ष के साथ जुड़ गए। कि मुझको याद आता है कि पत्रकार जगत में एक समय ऐसा था जब हिंदी को ठीक से पढ़ने समझने के लिए, शुद्ध हिंदी समझने के लिए, ये हिंदी अखबारों को लोग, समाचारों से उनका कोई मतलब नहीं होता था, वो केवल हिंदी के अखबार मंगाते थे, शुद्ध हिंदी मुझे मिलेगी, हिंदी के शब्द मुझे मिलेंगे। आज ऐसा दिखाई देता है क्या? तो इसके पीछे का सीधे सीधे कि हमको अध्ययन करना भूल गए, इसलिए एक तरह से खिचड़ी पत्रकारिता, हालांकि अब वो चलता नहीं है, अब तो ये हो गया कि कुत्ते ने आदमी को काटा, ये समाचार नहीं है, लेकिन आदमी ने कुत्ते को काटा, ये समाचार बनता है, तो इस समाचार से समाज का क्या भला होने वाला है? मतलब सकारात्मक रूप से उसका भाव रखा जाना चाहिए, सकारात्मक, केवल और केवल सकारात्मक। आज कैसा हो गया, हिंदी के समाचार टीवी चैनल पर अच्छे भले लोग तो चैनल को खोलते ही जब मार धार लूट खसोट अखबारों में यही मिलने को पढ़ने को मिलता है, अच्छे भले लोग एक तरफ रख देते हैं। इसके पीछे का भाव क्या है? इसके पीछे का उस समाज के लोग भी कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा देखकर ही अच्छा करने की प्रेरणा जागृत होती है, तो इसलिए अच्छा दिखाने का प्रयत्न करें ईमानदारी के साथ, निश्चित रूप से अच्छा होगा, सरकार भी अच्छा मानेगी उसका। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद रहे पदम जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज नारद दिवस के तौर पे मनाई जाने वाली इस कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित तौर पे हम लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें निश्चित ही सकारात्मक भावनाओं के साथ में खबरें छापनी चाहिए, खबरें चलानी चाहिए, दिखानी चाहिए। निश्चित तौर पर अगर सरकारों के खिलाफ कोई भी खबर आप दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपकी खबर में दम है तो सरकारें भी आपके आगे झुक सकती हैं। समाचार सिटी 24 की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए।